हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद। इतनी इजी नहीं देखी होगी गारंटेड के साथ। देखिए क्या आपने सर बिना किसी एरर के जिद्दी हूं मैं। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर। तो देखिए अब यहाँ पे हम सीख रहे हैं, यहाँ पे जो भी चालू कर लीजिए अभी। तो अभी आप लाइव देख रहे हैं फिर से अगेन। तो हम आपको जो भी व्यूअर है जो यूट्यूब से या फिर फेसबुक से जो भी देख रहा है, तो कैसे यूएमटी को यूज करते हैं, तो हम यूएमटी का यूज अपने क्लास को भी, लाइव क्लास को भी दिखा दीजिए। हमारी लाइव क्लास भी चल रही है। तो चलिए अब यूएमटी को यूज, सबसे पहले हमें फ्लैशिंग करना है। सबसे पहले क्या करना है? तो फ्लैशिंग करने के लिए हमें फ्लैशर पे जाना है। कहाँ पे जाना है? फ्लैशर पे जाना है। फ्लैशर पे जाने के बाद यहाँ पे देखोगे डीए, तो डीए कौन सी फाइल होती है? क्या कौन सी फाइल होती है? उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे सिंपल सिंपल जाना है हमें लोड स्कैटर पे। कहाँ पे जाना है? लोड स्कैटर। जाइए लोड स्कैटर में। जाने के बाद जहां पे हमारी फाइल रखी हुई है, जहां पे हमारी क्या रखी हुई है, तो जाइए डेस्कटॉप, जाइए जाइए डेस्कटॉप, जाइए डेस्कटॉप, जाइए एमटीके, एमटीके सबसे नीचे जाइए, वो वाली लो, सबसे पहले ले लो, कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ले लो, ले लीजिए इमेज, डबल क्लिक, डबल क्लिक फाइल। तो देखिए ये हमारी फाइल लोड हो गई। हमारी क्या हो गई? पार्टीशन। जो रेड आ रहा है वो पार्टीशंस में नहीं, वो पार्टीशन में नहीं। बाकी अगर आप नीचे आओगे तो देखोगे सारी फाइलें यहाँ पे लोड है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो हमारे पार्टीशन बन के आना चाहिए। हमारे क्या आना चाहिए? पार्टीशन। अगर पार्टीशन बन के नहीं आ रहा है तो दैट्स मीन हमारी फाइल क्या है? करप्ट है। फाइल हमारी क्या है? करप्ट है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सर डेड डिस्क का हमने बताया, तो डेड डिस्क का क्या सलूशन है? बोल दो। कस्टमर का डाटा बचाना है तो यूजर डाटा अनटिक करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसके बाद हमने फाइल लोड कर दिया। अब सिंपल और सिंपल, अगर हमारा ऑनलाइन वाला फोन है, कौन सा वाला फोन है? और ऑनलाइन वाला फोन है तो आपको सबसे पहले डिसेबल ऑफ करना है। क्या करना है? यहाँ पे एमसीटी टूल चलाने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा क्या करना है आपको? डिसेबल ऑफ करना है। जब डिसेबल ऑफ हो जाएगा उसके बाद सिंपल सिंपल यहाँ पे फ्लैश पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आप कॉल, यहाँ से आप एमटीके को यूएमटी से फ्लैश कर सकते हैं। यहाँ से क्या कर सकते हैं सर? तो सिंपल सिंपल क्या क्या था फटाफट बताइए, मैं इसको नोट डाउन कर देता हूँ। तो सबसे पहले क्या खोलेंगे? टूल। सबसे पहले क्या खोलेंगे? कौन सा टूल? एमटीके अल्टीमेट, अल्टीमेट टूल। समझ में आ रहा? सबसे फर्स्ट ये खोलेंगे। सेकंड क्या जाएंगे बताइए? कौन सी फाइल देंगे? कौन सी फाइल? स्कैटर फाइल देंगे। उसके बाद फिर कहाँ पे जाएंगे? अगर ऑनलाइन वाली फाइल है तो क्या करेंगे हम? डिसेबल ऑफ करेंगे। अगर ऑफलाइन है मतलब ऑनलाइन वाला फोन नहीं है तो सिंपल और सिंपल हम क्या करेंगे? अब ये हमारा टू हो गया, ये हमारा थ्री हो गया। क्या हो गया हमारा? थ्री। अब हमारा क्या करेंगे? सिंपल और सिंपल फोर। समझ में आ रहा है? यहाँ पे आपको फॉर्मेट और मेट विदाउट ये कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है। फर्स्ट फॉर्मेट कर देंगे तो हो गया आपका, क्या हो जाएगा? वो तो आपको पता ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? चलिए उसके बाद हमें क्या करना है? फोर पे क्लिक। अब अकॉर्डिंग टू जैसा कि मैंने आपको एरर बताया है उसके हिसाब से आपको काम करना है। अब जैसे ही आपने फोर फ्लैश पे क्लिक कर दिया, फाइल आ जाएगा आपका फोन कनेक्ट। क्या जाएगा आपका फोन? क्या जाएगा? कनेक्ट। समझ में आ रहा है? या तो अप, या तो पहले डायरेक्ट, या तो कैसे होगा? या तो कैसे होगा? या तो कैसे होगा? या तो प्लस माइनस। क्लियर है यहाँ पे? यस सर। चलिए सर फोटो ले लीजिए सर, यहाँ दिखा दीजिए एक बार हाईलाइट। तो फर्स्ट बताइए, सेकंड, थर्ड, फोर, फाइव, फोन करें। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, आप भी ऐसे देख करके फ्लैश कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। बाकी का ये हमारा फ्लैशिंग का एक छोटा सा टैप था जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, थैंक यू।
पासवर्ड बंद करिए सर, थोड़ा सा कर पाते सर। हम देखते हैं कि बिना डाटा डिलीट किए फोन हमारा बचता है कि नहीं। पहले फोन दिखा देंगे, चालू है, ले लीजिए लाइव। आठ घंटे हो गए घंटी, एक भी ब्रेक नहीं हुआ ना सर। तो फिर से अगेन मैं से टेलीकॉम से दुर्गेश, और ये हमारी चल रही है इंड जो चल रही है सॉफ्टवेयर की क्लास चल रही है। तो ये एक चालू फोन है, वीवो का फोन है जो कि नॉर्मल नहीं कर पा रहे हैं। तो हम इस फोन में करेंगे इसको फ्लैश बिना डाटा डिलीट किए हुए। तो आप ये देख लो इसमें डाटा भी है, ये आप देख सकते हैं इसमें डाटा भी है। तो विदाउट डाटा लॉस इसको करने वाले हैं, फ्लैशिंग मैं नहीं करूंगा, ये हमारे स्टूडेंट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे क्या क्या चीज करना है और क्या क्या चीज नहीं करनी है। वहां चालू है, ठीक है, लीजिए फोन पकड़िए, फोन बंद कर दीजिए प्रॉपर। चलिए अब आप पूरा स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करिए। सर सबसे पहले हम मीडियाटेक में जाएंगे। वेरी गुड सर, ये वीवो का फोन है। तो वीवो, हां वेरी गुड, वीवो का फोन है, उसमें मीडियाटेक का सीपीयू लगा हुआ है। वेरी गुड, क्या बात है। फिर सर हम मीडियाटेक में जैसे ही हम जाएंगे, ओके, तो सर सबसे पहले हम इसका ब्रांड सेलेक्ट है इसमें। सबसे पहले मीडियाटेक में जाके हमें कहां पे जाना है, फ्लैश में। कहां पे जाना है, फ्लैश में जाइए। उसके बाद फ्लैश में सर ये, फिर उसके बाद हमें करना है और बाईपास पे। कहां पे क्लिक करना है, बाईपास। क्यों? क्योंकि ये ऑनलाइन, क्योंकि जो भी अभी लेटेस्ट फोन आ रहा है वो हमारे ऑनलाइन वाले फोन है। कौन से वाले फोन है, इसके लिए कोई भी एमसीटी बाईपास टूल चलाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अनलॉक टूल यूज कर रहे हैं तो करिए, कर दिया। अब उसके बाद कहां पे जाना है, सर्वर पे क्लिक करना है। सर्वर का मतलब ऑनलाइन चल रहा है क्या, नहीं सर। इसमें आपका ब्रांड और मॉडल सिलेक्ट होगा। क्या सिलेक्ट होगा सर, इधर दिखाइएगा सर, यहाँ इधर भी दिखा दीजिए। ले लीजिए अपना पहले, तो हमने ले लिया अपना ब्रांड, ले लिया। और क्या ले लिया हमने, फाइलों का नॉलेज होना कितना इम्पोर्टेंट है, है कि नहीं है। चलिए उसके बाद हमें क्या करना है, लोड स्कैनर। क्या करना है, लोड स्कैनर, लोड स्कैनर करिए सर। हमारी जहां भी फाइल है वहां चले जाएंगे, ठीक है। ठीक है जाइए। ठीक है, ये फाइल हमारी लोड हो गई। कस्टमर का डाटा बचाना है, बताइए क्या करना है। अगर सर हमें कस्टमर का डाटा बचाना है तो उसका भी ऑप्शन है हमारे पास, और जो कि इसमें डाटा है। जी सर, जी सर। तो क्या कर देंगे, यूजर डाटा को अनटिक कर देंगे। अब उसके बाद सिंपल और सिंपल क्या करना है सर, हमें कोई भी फाइल को अनटिक अनटिक किए क्या। तो सर हम फिर से रिमाइंड कर देते हैं, कहां पे गए, फिर हम कहां गए, फिर हमने स्किप लोडर हम नहीं कर रहे हैं, हम देखते हैं कि क्या कंडीशन होती है। फिर हमने क्या किया, क्या सिलेक्ट किया, ब्रांड। फिर उसके बाद अपना फाइल लेने के बाद सीधा फ्लैश पे क्लिक कर देंगे, क्या कर देंगे, कर दीजिए। अब करेंगे फोन कनेक्ट, क्या करेंगे, फोन बंद है प्रॉपर। जी सर, चलिए कर दीजिए कनेक्ट। ओके, अरे ये निकालना पड़ेगा, वेटिंग फॉर यूएसबी नहीं आ रहा, वेटिंग फॉर यूएसबी का आपको ध्यान देना पड़ता था। चलिए कोई बात नहीं, चार्जिंग प्लग निकाल दीजिए। जब तक यहाँ पे वेटिंग फॉर यूएसबी ना लिखे तब तक फोन को आपको कनेक्ट नहीं करना, नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो यहाँ पे वेटिंग फॉर यूएसबी लिखना चाहिए या फिर कनेक्ट फोन लिखना चाहिए, तभी आपको फोन को कनेक्ट करना। अभी ये कभी कभी इंटरनेट फास्ट ना होने के कारण भी ऐसा होता है, बाकी ऐसा कभी होता नहीं है। किस मोड में, कनेक्ट कर दीजिए। तो ये लाइन देख सकते हैं, फोन हमारा कनेक्ट हो गया ब्राउन मोड में। और ये सर बिना किसी एरर के वन टाइम में फ्लैशिंग स्टार्ट हो गई बिना किसी एरर के। सर वीवो की फ्लैशिंग इतनी इजी नहीं देखी होगी, गारंटेड के साथ देखिए क्या आपने। सर बिना किसी एरर के वीवो फोन की फ्लैशिंग, हालांकि वीवो ओप्पो से मतलब हमें नहीं है, हमें मतलब है अपने सीपीयू से। और ये लाइव देख सकते हैं यहाँ पे फ्लैशिंग, लोग विद डाटा पता नहीं, पर यहाँ पे हम विदाउट डाटा लॉस फ्लैशिंग कर रहे हैं, जो कि आपके सामने लाइव क्लास में, और देखते हैं कि डाटा बचता है कि नहीं बचता है। अच्छा एक बार भी वीडियो हमने करके दिखाया क्या, सच्ची दिल से बताइए, इधर दिखाइएगा, एक
एक बार भी दिल से होता है कि आपने एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाया yes, sir. लाइव कर रहे कि नहीं कर रहे yes, sir. देखते हैं कि डाटा बसता है कि नहीं बसता yes, sir. तो थोड़ा सा आप भी बने रहे लाइव में और देखते हैं कि एक्चुअल में डाटा बसता है कि नहीं. तो कैसी रही ओवरऑल क्लास? तो अब आपको ये इश्यू निकालना है कि कौन सा टूल मेरे लिए ज्यादा बेटर है. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बेटर है, एसपी फ्लैश टूल बेटर है कि यूएमटी बेटर है, या और भी बहुत से टूल हैं, पर मैंने आपको तीन टूल में पढ़ाया. एसपी फ्लैश टूल में पढ़ाया, यूएमटी में पढ़ाया, और आपको अनलॉक टूल में पढ़ाया. क्लियर है यहाँ पे? कोई डाउट है? तो बस थोड़ा सा सिस्टम फाइल राइट हो रही है, वेंडर फाइल राइट हो गई है, सिस्टम फाइल राइट हो रही है, बस थोड़ा सा और टाइम लगेगा. ये आपको टाइम भी बताएंगे, दो मिनट में किए, तीन मिनट में किए. बिना किसी एरर अगर यही एसपी फ्लैश होता तो मिनट देखो लिख दिया, 2 मिनट 46 सेकंड. फोन देखिए डेड वेट हुआ क्या? नहीं सर. निकाल के चालू करिए, क्या पता डेड वेट हो गया हो, क्योंकि हमने स्किप प्रीलोडर को टिक नहीं किया था, टिक नहीं किया था. देखिए फोन चालू हो गया सर, आपके सामने लाइव ये देख सकते हैं फोन ऑन हो गया है. अब मेन मस्ट बी यह चेक करना है, आपने देख ही लिया है मेन डाटा, और डाटा बच गया क्योंकि आपने मन में भी होगा कि सर बता रहे हैं डाटा बचा सकते हो कि नहीं बचा सकते हो. अरे प्रैक्टिकल में होता भी है कि नहीं होता है, पर मैंने लाइव क्लास में दिखा रहा हूं आपको. अब आप मैं भी नहीं जानता डाटा बचता ही नहीं होता, पर देखते हैं. ठीक है, चालू हो गया फोन. जैसा था वैसा ही और हुआ, जैसा कोई दूसरा फोन तो नहीं लिए. स्वाइप अप करते हैं, स्वाइप अप हो गया मेन डाटा देखते. आपके सामने लाइव पता लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है, सपोर्ट दे रहा है. लास्ट डे क्या करके गया? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेकर सीपीयू को मतलब जो है निकाले और उसके बाद रिवॉल्व भी किए, उसको लगाए भी पूरा पूरा. लास्ट डेट आपने क्या किया सर? डुअल टेकर सीपीयू आपने रिबोलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आया आपको? बिल्कुल सर. सीपीयू भी किया. लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल टेकर किया है. डबल से लास्ट डे क्या करके गए सर? डबल टेकर किया लास्ट में. डुअल टेकर किया ना आपने? लास्ट डे क्या किया? डबल टेकर सीपीयू करके गए. चाहता हूं आखिरी दिन आपने क्या किया सर? डबल टेकर सीपीयू कैसे रिबोल करके लगाना है, क्लीनिंग प्रोसेस, ये सारी चीज की. ये आपने किया? सारे स्टूडेंट ने की? सब स्टूडेंट ने. आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ सर? डबल टेकर किया मैंने, ओपनिंग, क्लीनिंग और रिबॉलिंग. बहुत अच्छे किया आपने. पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया. बिल्कुल. आज आपने क्या किया आज के दिन में बताया? आज हमने डबल डेकर किया सर. डबल डेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज से क्या करवाया है? डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके वापस पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई. मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन सर? डुअल डेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें बताया सर? डुअल डेकर निकाल के फिर लगाए, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका सीपीयू. और किस सिस्टम से किया आपने? यूनिवर्सल. प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता सर? बिल्कुल मिलता. आज आपने क्या किया सर? डुअल डेकर सीपीयू किया यहाँ पर. या आपने खुद किया? खुद से? यस सर, खुद किया. आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज डबल डेकर सीपीयू कर रहे हैं आप, उसको भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से. यस सर, यूनिवर्सल. ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने ना ड्यूल डेकर सीपीयू सर, रैम और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया है सर सभी बच्चों ने. और सीपीयू उतार दिया था. आज आपने क्या किया? अच्छा, ड्यूल सीपीयू. किस कौन सी तारीख को आए थे सर? हम 25 पर. कौन क्या किया आज के दिन बताइए बस. सर हमने ड्यूल डेकर किया सर. ड्यूल डेकर किया आपने? मेरे साथ में सबसे नंबर 1 इंस्टीट्यूट.